हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मार्बल फ्लोरिंग डिज़ाइन इमरान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जीना डिज़ाइनिंग। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जब हम अपने घर के अंदर अगर ग्रेनाइट की जीना बनवाएं तो इसका ग्रेनाइट का और फिटिंग का खर्च कितना आता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और आगे शेयर करें। अब दोस्तों, हम बात करेंगे जीना डिज़ाइनिंग की। जब हम ऐसी जीना अपने घर के अंदर अगर बनवाएं तो इसका खर्च कितना आता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जब ऐसी जीना बनवाते हैं तो इसके लिए लेके आते हैं हम पत्थर, जो मार्बल लेके आते हैं या ग्रेनाइट लेके आते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे ग्रेनाइट की। अगर हम ऐसी जीना बनवाएं और जीना के लिए जब हम ग्रेनाइट लेके आएं तो ये कितने रुपए स्क्वायर फीट में ग्रेनाइट आता है, इसका खर्च कितना आता है ग्रेनाइट का। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये जीना डिज़ाइनिंग, इसके अंदर दो तरह के ग्रेनाइट लगे हुए हैं। एक ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है जो राजस्थान ब्लैक ग्रेनाइट है, और एक पी वाइट ग्रेनाइट है। तो दोस्तों, दोनों ग्रेनाइट तकरीबन 100 रुपये स्क्वायर फीट तक का यह ग्रेनाइट है। जब हम दोस्तों 100 रुपये स्क्वायर फीट वाला ग्रेनाइट लेके आते हैं तो एक जीना का, जैसे मतलब एक मंजिला जीना हो, तो उसके अंदर जो ग्रेनाइट लगता है दोस्तों, वो तकरीबन आपके 12 से 13 हज़ार रुपये तक का ग्रेनाइट आएगा 100 रुपये स्क्वायर फीट वाला। अब दोस्तों, जैसे कि इसको फिटिंग हम करवाते हैं, इसका फिटिंग का खर्च कितना आता है, इसके विषय में भी हम बात कर लें। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी मिस्त्री मार्बल फिटिंग का काम करता है, ग्रेनाइट फिटिंग का काम करता है और ऐसी जब जीना बनाता है तो वो अपने हिसाब से रेट लेता है। सभी मिस्त्रियों की अलग अलग रेट होती है। तो दोस्तों, मैं आपको जो रेट बताऊंगा इसकी फ़िटिंग की, वो आपके लिए सिर्फ एक आइडिया होगा। हम जब ऐसी जीना बनाते हैं और इसका जो फिटिंग का खर्च आता है वो कितना खर्च आता है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, टप्पा स्क्वायर फीट में आता है, राइजर स्क्वायर फीट में आती है, और स्कटिंग जो आती है ये रनिंग फिट आती है, और टप्पे की जो मोल्डिंग आती है दोस्तों, ये भी रनिंग फिट आती है। तो मोल्डिंग की रेट अलग होती है, बाकी की जो रेट होती है दोस्तों, राइजर की और टप्पे की और स्कटिंग की, ये सेम रेट होती है। तो इसका खर्च कितना आता है फिटिंग का, तो ऐसी जब हम जीना बनाते हैं तो ऐसी जीना का खर्च आता है 15 हज़ार से 16 हज़ार रुपये तक का। अब दोस्तों, अगर आपको ऐसी जीना अपने घर में बनवानी है तो इसका टोटल खर्च कितना आता है, वो भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, ग्रेनाइट का खर्च और फिर उसके बाद में फिटिंग का खर्च, इन दोनों का खर्च कितना आता है, इन दोनों का खर्च आता है दोस्तों 28 हज़ार से 29 हज़ार रुपये तक का इसका खर्च आता है। ऐसी जीना जब अगर आप अपने घर में बनवाएँ तो 28 हज़ार से 30 हज़ार रुपये तक में ऐसी जीना बन के तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आप भी ऐसी जीना डिज़ाइनिंग आप अपने घर में बनवाएं, ये तकरीबन 30 हज़ार रुपये के अंदर अंदर ऐसी जीना बन के तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, आगे शेयर करें। और आप अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नए नए डिज़ाइनिंग के हम वीडियो लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में भी जवाब देंगे। तो चलो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ और ऐसे ही वीडियो के साथ। तो आप देखते रहें इस वीडियो को एंड तक।